लोकसभा चुनाव प्रत्याशी को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की जुगत हुई चालू। शर्मा के पुत्र को मिले लोकसभा का टिकट। लोकसभा चुनाव से पहले ही प्रत्याशियों के दल अब अपनी अपनी ताल ठोकने में लगे हुए हैं। मई महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर प्रदेश में सभी पार्टियों की सरकार में तेजी से सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। अजमेर में भी कांग्रेस पार्टी की इकाई यूथ कांग्रेस एनएसयूआई की संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रत्याशियों को लेकर चर्चा की गई। यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की आज एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी को नाम को लेकर चर्चा की गई और लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए भी चर्चा की गई। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि उन्होंने राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के बेटे को लेकर प्रस्ताव दिया है और मांग की है कि रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा को ही अजमेर लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जाए, क्योंकि वह एक युवा है और कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। उनके पिता रघु शर्मा के कार्यकाल में भी अजमेर में काफी विकास के काम हुए और उन्होंने लोकसभा में भी अजमेर की बातों को रखा था, जिसको देखते हुए आलाकमान से सागर शर्मा के नाम पर भी मोहर लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। अजमेर जिले के युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की हमने एक बैठक ली है। बैठक के अंदर में सर्वसम्मति से एक नाम लोकसभा चुनाव के लिए आलाकमान को सुझाएंगे, वो नाम है सागर शर्मा। माननीय हमारे मिनिस्टर साहब रघु शर्मा जी के सपुत्र, वह जब से राजनीति के अंदर हैं हमारे साथ के अंदर हमारा साथ समय समय पर देते रहे तथा अगर उनके निर्देश के अनुसार उनके नेतृत्व के अंदर हम राजस्थान इसमें अजमेर के अंदर चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो हम 100% जीत जाहिर करेंगे। सागर शर्मा जी को टिकट दिया जाता है तो यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के अंदर एक अलग ही शक्ति का संचार होगा, जिसका पूरा फायदा माननीय राहुल गांधी जी को मिलेगा। और हम ये विश्वास दिलाते हैं अगर सागर जी को टिकट दिया जाता है तो अजमेर जिले की सीट जिता करके माननीय राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत किए जाएंगे। जहाँ कांग्रेस हर बार यही कहती आई है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की राजनीति नहीं करती, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की बैठक से तो यही साफ हो गया है कि पत्नी रघु शर्मा के पुत्र सागर शर्मा के पक्ष में कांग्रेस का यूथ विंग खड़ा हो गया है, जो लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट दिलाने की मांग कर रहा है। किशोर सिंह सोलंकी, टीवी भारत, अजमेर।